हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जिसमें हमने बेसिक फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद हमने पढ़े थे क्वाड्रेंट पढ़ा था, और उसमें बताया गया था कि कितना कितना एंगल होता है इसमें, और कुछ हमने दूसरे फार्मूले पढ़े थे, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, और जिसमें फंडामेंटल आइडेंटिटी भी पढ़ी गई थी। तो आगे नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 10 हमने स्टार्ट करना है, तो उसके लिए जो सबसे पहला टॉपिक है वो है लाइट एंगल्स का। लाइट एंगल हमने बनाने हैं, हमारे पास छः फंक्शन हैं, तो छः फंक्शन के साथ हमने लाइट एंगल बनाने हैं। सबसे पहला हमारे पास जो फंक्शन आता है वो क्या है, साइन थीटा होता है, हम इसे कहते हैं साइंस। साइंस के साथ हमने जो है ना वो फार्मूले बनाने हैं। तो कैसे बनाने हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं इधर साइन, अब यहाँ पे ब्रैकेट में हमारे पास जो पहला क्वाड्रेंट है वो क्या है, पाई बाय टू होता है, इसमें हम लिखना है प्लस थीटा इज इक्वल, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू बतानी है। फिर दूसरा फार्मूला हम लिखेंगे इसी तरह, साइन दूसरा क्वाड्रेंट पाई प्लस थीटा करेंगे, उसमें भी एंगल हमने पहले प्लस करना है फिर हमने माइनस करवाना है। फिर तीसरे क्वाड्रेंट में कितना होता है एंगल, थ्री पाई बाय टू प्लस थीटा। फिर चौथे में कितना होता है, साइन टू पाई प्लस थीटा होता है ये। इसके बाद ये हमने प्लस वाले बनाए हैं, अब हमने बनाने हैं माइनस वाले। कि साइन पाई बाय टू माइनस थीटा, फिर साइन पाई माइनस थीटा, उसके बाद साइन थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा, और उसके बाद आ जाता है साइन टू पाई माइनस थीटा। अब हमने जो क्वाड्रेंट पढ़े हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर चार क्वाड्रेंट है हमारे पास ये, ठीक है, इधर होता है पाई बाय टू, इधर होता है पाई, इधर होता है थ्री पाई बाय टू, और इधर होता है टू पाई। और साथ मैंने फंक्शन भी लिखे थे, ये ए है सारे पॉजिटिव है, इसमें साइन वाले हैं, इसमें टेन वाले हैं, और इसमें कॉस वाले हैं। अब हमने इनको यूज़ करके हमने यहाँ पे ये फार्मूला प्रूफ करना है इसका। इसके लिए आपने ये याद रखना है कि आठ मल्टीपल, यानी कि ये पाई बाय टू के साथ अगर हम क्या लिखें, ये वन है ये, ठीक है, ये थ्री है, आठ मल्टीपल आएगा तो वो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे कि आठ मल्टीपल इसमें मुराद क्या है, ये पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू, फाइव पाई बाई टू एंड सो ऑन, यानी कि यहाँ पे जो है ना ये आठ नंबर आ जाए, वन थ्री फाइव सेवन नाइन कुछ भी आ जाए, तो इसमें साइन की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है कॉस के अंदर, इसको हम लिखेंगे कॉस थीटा। फोर कौन सी है, ये थ्री है, इसको भी हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। उसके बाद इधर भी पाई बाई टू है, इसको भी हम लिखेंगे कॉस थीटा, इसको भी हमने क्या करना है, कॉस थीटा लिखना है। अब आठ के अलावा बाकी जितनी भी होंगी उसको हमने क्या करना है, अगर इस तरफ साइन लिखा हुआ है तो इस तरफ हमने साइन ही पुट करना है। इधर क्या आएगा, ये साइन आएगा, इधर भी साइन आएगा, इस तरह यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये साइन आ जाएगा, यहाँ पे भी साइन आ जाएगा ये, ठीक है। अब हमने लगाना है इनके साथ प्लस या माइनस, बताना है कि यहाँ पर प्लस आएगा या माइनस आएगा। इसको मैं एक डायग्राम से जो है ना मैं समझाता हूँ, इसको हम लिखते हैं, ये हमने इसकी बनाई डायग्राम छोटी सी, ये चार क्वाड्रेंट है, ठीक है, जो अंदर वाली वैल्यू है ये पाई बाय टू प्लस थीटा, ये हमें शो करना है क्वाड्रेंट के अंदर, ये जीरो से शुरू होता है, ये यहाँ पे ख़त्म होता है पाई बाय टू, जब प्लस होगा तो वो दूसरे क्वाड्रेंट में चला जाएगा यहाँ पे।
तो यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस। इस चीज़ के साथ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट में, इधर क्या लिखा है ब्रैकेट में, पाई प्लस थीटा लिखा हुआ है, ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे आ गया, पाई मुकम्मल हो गया, ये प्लस हो रहा है, प्लस होके तीसरे क्वाड्रेंट में जाएगा। तीसरे क्वाड्रेंट में इसको देखना, हमने जो साइड पे लिखा, राइट साइड पे लिखा है, इसको लेफ्ट साइड में जो लिखा है इसको देखेंगे हम, ये साइन है, तो इसको देखना है हमने, साइन क्या है यहाँ पे तीसरे क्वाड्रेंट में है ही नहीं है, तो क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ, 3π/2 आ गया, आगे प्लस है, प्लस होके फोर्थ में चला गया, तो फोर्थ में क्या होता है, फोर्थ में साइन सिर्फ कॉस पॉजिटिव है, साइन क्या इधर नेगेटिव है, तो ये क्या करेंगे इधर, तो नेगेटिव लगाएंगे इधर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि 2π हमने ये कंप्लीट करा दिया, आगे प्लस है, प्लस होके वापस किस में आएगा, पहले क्वाड्रेंट से, पहले में सारी वैल्यू क्या होती हैं। इसके बाद आ जाते हैं माइनस वाले, पहले इसी डायग्राम बनाते हैं हम, जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है पहले उसको यूज़ करेंगे, ये आ गया π/2, उसके बाद माइनस थीटा है, तो मतलब वापस अपने क्वाड्रेंट में रहेगा, वापस ये पीछे क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, तो इसका मतलब है ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये पहला क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू क्या होती हैं, पॉजिटिव, इसलिए साथ प्लस का साइन आ जाएगा ये। उसके बाद आ जाता है सेकेंड वाला, पाई माइनस थीटा लिखा हुआ है, ये यहाँ पे आ गया पाई तक, जब ये माइनस होता है ये वापस अपने क्वाड्रेंट में स्टॉप होता है, उससे आगे पीछे नहीं जाएगा, तो ये इसी क्वाड्रेंट में रहेगा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन प्लस का होता है। इसके बाद आ जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये 3π/2 आ गया, अभी थीटा माइनस हो रहा है, माइनस होगा तो वापस इधर ही रहेगा, ये तीसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, वो माइनस होता है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, ये 2π आ गया, अब ये भी माइनस हो रहा है, तो माइनस का मतलब है कि वापस इसी क्वाड्रेंट में रहेगा, 2π वाले क्वाड्रेंट में रहेगा, तो 2π वाला क्वाड्रेंट कौन सा होता है, वो चौथा क्वाड्रेंट है, चौथे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, वो नेगेटिव होता है ये, तो इस तरह ये साइंस वाले फार्मूले ये मुकम्मल हो गए, बनाएंगे कॉस के फार्मूले, इसको हम कहते हैं कोसाइन, ठीक है। ये याद रखना है यहाँ पे कि साइन थीटा चेंज होता है, इसकी को रेशियो क्या है, कॉस थीटा, और कॉस थीटा चेंज होता है साइन थीटा में, फिर टेंजेंट थीटा चेंज होता है कोटेंजेंट थीटा में, और उसके बाद कोटेंजेंट थीटा चेंज होता है टेंजेंट थीटा में, कोसेकेंट चेंज होता है सीकेंट में, और सीकेंट चेंज होता है कोसेकेंट थीटा में, कब चेंज होता है, व्हेन ऑड मल्टीपल ऑफ थीटा प्लस, यानी कि जब आपके पास π/2, 3π/2, 5π/2, यानी कि आठ नंबर आ जाए इसमें, तब ये चेंज हो जाएगा। ये कोसाइन के एंगल बनाने हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं, पहले कॉस लिखा, पहला क्वाड्रेंट π/2 है, इसने प्लस किया थीटा, फिर दूसरा कॉस π+θ, फिर तीसरा कॉस 3π/2 प्लस थीटा, फिर आ जाता है कॉस 2π प्लस थीटा, तो इसके सामने अब हम बनाएंगे माइनस वाले, माइनस वाले बनाएंगे, ये आ जाएगा कॉस π/2 माइनस थीटा, फिर कॉस पाई माइनस थीटा, फिर 7π cos 3π/2 माइनस थीटा, और फिर आ जाएगा कॉस 2π माइनस थीटा। अब इनके सामने हमने, मैंने आपको बताया था कि
आठ मल्टीपल आएगा तो हमने ये चेंज करनी है। अब इसमें आठ मल्टीपल वाली कौन कौन सी वैल्यू है हमारे पास, ये आ रही है हमारे पास, ये पहला पहली वैल्यू पाई बाई टू है, तो कॉस किस में चेंज होता है वहाँ पे साइन में, इसके सामने हम लिख देंगे साइन थीटा, इसके सामने भी साइन थीटा, इधर इसके सामने भी साइन थीटा, ये भी साइन थीटा। अब इसमें क्या आएगा, इधर कॉस है, इधर कॉस ही रहेगा, ये इसको चेंज नहीं करना, ये भी कॉस ही रहेगा, ये भी कॉस ही रहेगा। ये अब हमने बताने हैं इनके साइन, तो साइन बताने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पे इसमें क्वाड्रेंट बनाना है, इसका ब्रैकेट वाली वैल्यू का हमने इसको यूज़ करना है, ये पाई बाय टू और ये प्लस होके दूसरे क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस को देखना है इस वैल्यू को, कॉस दूसरे क्वाड्रेंट में नहीं है तो ये क्या आएगा, ये माइनस आएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाता पाई, ये पाई आ गया आगे प्लस हुआ तो ये तीसरे क्वाड्रेंट में चला गया ये, ठीक है। तीसरे क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, वो भी नेगेटिव होता है क्योंकि वहाँ पर टेन है। फिर आगे थ्री पाई बाय टू प्लस हो के तीसरे क्वाड्रेंट, चौथे क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, वो प्लस होता है, तो इधर प्लस आ जाएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट टू पाई मुकम्मल हुआ, ये वाला प्लस थीटा हो रहा था वो पहले क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में सारे प्लस होते हैं। इसके बाद आ जाता है नेगेटिव वाले, नेगेटिव वाले को जब हमें यूज़ करना है तो ये लिखेंगे, ये पाई बाय टू है माइनस हो जाए तो वापस अपने क्वाड्रेंट में रहेगा ये, ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू होती हैं प्लस होती हैं। उसके बाद ये पाई आ गया, ये इसी क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव आ जाएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ये थ्री पाई बाय टू, ये तीसरा क्वाड्रेंट है, तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये कॉस नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव आएगा। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट टू पाई माइनस हो जाए तो वापस उसी क्वाड्रेंट में रहेगा, तो टू पाई फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, ये प्लस होता है। तो ये थे इसके राइट एंगल के फार्मूले, तो बाकी आप लोगों ने खुद फिर इस तरीके से ये बना लेने फार्मूले ये।